Hey guys, Srishti, hi बोलो. Hi. ये Srishti की ये ड्रेस है जो शीन से मंगाई थी, स्ट्रिप्ड ब्लैक ड्रेस. तो आज Srishti का फेवरेट फूड खाने जा रहे हैं, जो काफी दिन से प्रोग्राम बन रहा था लेकिन बिगड़ जाता था. तो आज Srishti क्या खाना है? Yes. सिजलर ऐसी चीज है जो मैं अभी तक घर पर नहीं बनाई हूँ कभी भी, और मैं ट्राई भी नहीं करूंगी, नहीं तो फिर बाहर खाने क्या जाएंगे. हम लोग स्पेशल सिजलर खाने ही जाते हैं. तो आज हम लोग सिजलर कहाँ खाने जा रहे हैं? अरिहंत पैलेस झरोखा रसल चौक का फेवरेट रेस्टोरेंट है झरोखा. अरिहंत पैलेस हम लोग यही लंच और डिनर करते हैं, खासकर सिजलर जब खाने आते हैं. यहाँ का सिजलर बहुत ही टेस्टी रहता है. Srishti, तू देखा Srishti के चेहरे की खुशी, सिजलर देखते ही बिल्कुल. Srishti मजा आया खाने में? कहाँ हो? फोटो क्लिक करवा रही हैं. हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस. मैं ऑयलिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं अपने बालों की केयर कैसे करती हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, इसलिए मैंने वीडियो स्टार्ट कर दिया. मेरा अभी जस्ट ब्रेकफास्ट हो गया है और मैं आज ऑयलिंग करके अब शैम्पू करना है. तो ये मैं ये वाला ऑयल यूज करती हूँ, पैरासूट का, पैरासूट कोकोनट ऑयल. तो इसको क्योंकि इस टाइम ठंड का मौसम है तो बहुत ज़्यादा ये जमा हुआ रहता है, तो इसको गर्म पानी में, गंजी में गर्म पानी करके उसमें डाल दिया तो ये पिघल गया. मैंने अभी थोड़ा सा ही ऑयल लगाया, मैं आपके सामने लगा रही हूँ. पहले अच्छे से कंघी कर दिया, कोई पुरानी कंघी ले लीजिए क्योंकि इसमें ऑयल बहुत लग जाता, फिर आप उससे ही बार बार नहीं कर सकते. तो एक कॉम इसका अलग से रखी, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, ये मेरा सिर्फ इसी के लिए है. ऑयल जब करती हूँ तब उसके लिए कंघी यूज करती हूँ. तो ये आप फिंगर्स की टिप से ऐसे ऑयल लीजिए और ऐसे हाथ अंदर करके ऐसे ऐसे मसाज करिए धीरे धीरे ऐसे ऐसे. फिर मैं बताऊंगी कि इसके बाद मैं क्या लगाती हूँ. पूरे पहले सिर में लगा लेना है, इसे धीरे धीरे मसाज करके. जब ऑयल वगैरह लगाए तो कोई पुराना ही स्वेटर या कपड़ा पहने, जैसे कि मैंने पहना हुआ है, क्योंकि सब ऑयल से खराब हो जाते कपड़े भी. ऐसे पूरे सिर में लगा लेते हैं और फिर ये ऐसे बालों में भी लगा लेते हैं. हफ्ते में एक बार तो ऐसा कर लेना चाहिए कि हमारा ऑयल लग गया. ये जो अपने घर पे ही प्लांट्स रहते हैं एलोवेरा, ये तो सभी लोग जानते होंगे.
ये एलोवेरा का प्लांट्स है, तो मैं तो घर पे ही लगा हुआ यूज करती हूँ, मार्केट का नहीं खरीद के लगाती हूँ। वैसे लोग पतंजलि का भी आता है एलोवेरा जेल, उसको भी लगा सकती हूँ, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ केमिकल तो मिला ही रहता है प्रिजर्वेशन के लिए। पीछे का काट दिया, इसको पहले अच्छे से धो करके छोटे छोटे पीस में कर लेती हूँ, इससे लगाने में आसान हो जाती है। इसको इतने टुकड़े में इसको काट लिए, उसका जो किनारा है कांटे वाला रहता है उसको भी यहाँ से ऐसे छील लेते हैं, इसको भी इधर से काट लिए और इसका ये ऊपर का भाग काट लेते हैं। अब ये वाला जो भाग है इसको थोड़ा सा ऐसा दबा दें जिससे इसका जेल बाहर आ जाए, और इसको धीरे धीरे इसे सिर में लगा लेते हैं, जैसे बालों में। से सच में बाल बहुत अच्छे हो जाते हैं, बिल्कुल नरम हो जाते हैं। इसे पूरे सिर में बालों में तो ऐसे करके ये इसको दबा दबा करके ऐसे लगा लें। आप लोग अपने घर में भी इसको एलोवेरा को लगा सकते हैं, गमलों में लगा लीजिए, थोड़ा सा ही लगाने से बहुत फैल जाता है। देखिए ऐसा ही सूख जाता है, इससे पूरा जेल निकल जाता है। और चाहे तो उसका जेल निकाल के अलग से रख लीजिए, उसमें मिक्सी में पीस करके फिर भी लगा सकते हैं, जैसा इसको लगाना हो, लेकिन मेरे को ये इजी पड़ता है, जल्दी निकाला और बस साफ करके लगा लिया। तो ऐसे करा और इसको लेकर के ऐसे फेस भी मसाज कर सकते हैं। आप इसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, मैं काफी देर से यूज कर रही हूँ। नेक में भी लगा लीजिए, बस इसको आधा घंटा लगा रहने दीजिए और जा करके बस नहा लीजिए, तो आपका फेस वगैरह और ये सिर के जो बाल हैं बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।